शेर और लोमड़ी। एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत ही भूखा था। शेर खाने की तलाश में कोई जानवर देखता, लेकिन उसको कोई नहीं मिला। काफ़ी देर बाद उसको एक गुफा मिली। उसने सोचा, ज़रूर इसमें कोई जानवर होगा। जैसे ही वो उस गुफा के अंदर गया तो वहाँ कोई नहीं था। शेर ने सोचा, मैं यहाँ इंतज़ार करता हूँ, ज़रूर यहाँ कोई आएगा। जब सूरज डूबने लगा तो लोमड़ी अपनी गुफा में आई। उसे देखा शेर के पंजे उसकी गुफा की तरफ जा रहे थे। लोमड़ी समझ गई यहाँ शेर है। उसे सोचा, अभी पता लगाती हूँ शेर अंदर है या नहीं। लोमड़ी ने कहा, ऐ मेरी जादुई गुफा, जादुई अल्फाज बोलो। शेर बड़ी खामोशी से बैठा था। लोमड़ी ने फिर से बोला, ऐ मेरी प्यारी गुफा, जादुई अल्फाज बोलो। शेर अपने पंजे खोल लिए। जब लोमड़ी ने देखा कोई जवाब नहीं आ रहा, तो उसने बोला, मैं आखिरी दफ़ा फिर बोल रही हूँ, अगर तुमने नहीं कहा तो मैं चली जाऊँगी। शेर ने सोचा, शायद वाकई ये जादुई गुफा है, मैं ही कह देता हूँ। शेर ज़ोर से धाड़ा। लोमड़ी वहाँ से अपनी जान बचा के फौरन भाग गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमारी समझदारी से हर चीज़ का हल मिल सकता है।